फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीओर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए, शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पर धतूरा तोड़ चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की कोई क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी आपको इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा, तो क्यों चिंता करता है?